हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परवेज डिज़ाइन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे कि आप अगर मार्केट से पैंट लेके आते हैं और उसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवेज डिज़ाइन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी लंबाई हम रखने वाले हैं, लेंथ वो रखने वाले हैं 31। तो हम 31 यहाँ से इस तरीके से नाप लेंगे और नापने के बाद में इसके नीचे रखेंगे हम 1/4 इंच मार्जिन और इसको इस तरीके से स्केल से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों, इस पे इसकी जो मोरी है यानी बॉटम है वो है 10 इंच। तो 10 का हम हाफ कर लेंगे, 5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस पे सिलाई लगी होती है डबल बाहर से, उस पे आपको इसको नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है, ठीक है। चाहे अंदर की साइड हो या बाहर की हो, इस तरीके की होना चाहिए प्लेन साइड, उसमें आपको कटिंग करना होगी। अब आप इस तरीके से आप निशान लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको पॉकेट तक लेके जाना है और पॉकेट तक ले जाने के बाद में इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों, अब हमें इसको कर लेना है कटिंग। तो हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हमारा जो है नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग है, इससे ही हम नाप के इसको कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान है कटिंग करना, आप अपनी पैंट को अपने आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना होगा और दूसरा बॉटम रखने के बाद में इसको रख के और इस तरीके से काट लेंगे। ये अलग उठा के रख देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर इसको जिस साइड में सिलाई नहीं लगी है, जैसे सिंगल सिलाई है, वहाँ पर लेना है आपको, यहाँ पर भी निशान लगा देना है। तो निशान हम वही लगाएंगे, 10 मोरी है, बॉटम 10 है इसका, 10 का हाफ कर लेंगे 5 इंच और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। बाकी का 1/4 इंच हमारा ये हो गया और इसको स्केल को इस तरह रखेंगे ऊपर पॉकेट तक, जहाँ से पॉकेट है ये वाली, नीचे ऊपर नहीं, नीचे वाला जहाँ पल्ला है पॉकेट का, और यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। बस यहाँ पर सिलाई लगा देना है, इतने बीच में डबल सिलाई लगाना है आपको और उसके बाद मोरी को फोल्ड कर देना है। तो चलिए अपनी मशीन पर इसको करते हैं कम्प्लीट। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लेना है और जो हमारे निशान लगे हुए हैं ना, उन निशानों पर हम सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर इतने बीच में लगाना है डबल सिलाई, क्योंकि मोरी टाइट होती है ना, तो उसमें पैर डालने में मोरी ना उधड़े बॉटम, इस चक्कर में हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगाना होती है। अब हमें यहाँ पर इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हमें अपनी दूसरे पैंचे को करना होगा। इसमें भी हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगाना होगी थोड़ी सी। और इस पीस को भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, ये सब एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे, ठीक है। आपको थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग करना है, जिससे अगर मोरी हम थोड़ी बॉटम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसको कर लेंगे सीधा, अब पलटने के बाद जो हमने यहाँ पर कपड़ा कटिंग किया है ये वाला, इसकी हम दरस फाड़ लेंगे, जिससे कि मोटा ना हो और आराम से फोल्ड हो जाए। ये इस तरीके से दरस फाड़ लेंगे और यहाँ पर इसको पलटेंगे और मोरी फोल्ड कर देंगे।
हमने यहाँ पर एक मोरी को फोल्ड कर लिया है, धागे वगैरह सब कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमारा एक पैंचअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया, इसका ढाल भी बिल्कुल बेहतरीन है। अगर आप स्केल से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद में इसको यहाँ पर पलटेंगे, सिलाई लगा लेंगे ना, तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी पैंट की। तो दोस्तों इसको भी हमने यहाँ पलट लिया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल के निशान पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कल को कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सही टाइम पर मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।